नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। 15,000 की रिश्वत लेते प्रभारी पंचायत सचिव को लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 साल की बच्ची की शादी को पुलिस ने रुकवाया, बिना दुल्हन के लौटी बारात। यूपी से एमपी आ रही 14 पेटी नशीली कफ सिरप पकड़ाई, 3 तस्कर गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। बिल पास कराने पंचायत सचिव ने मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त पुलिस ने किया ट्रेप। 15,000 की रिश्वत लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार। आपको बता दें कि मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहरा गांव में पुलिया निर्माण के कार्य का बिल पास कराने को लेकर आज पंचायत सचिव के द्वारा ट्रेडर्स के संचालक से 15,000 रुपए की रिश्वत की रकम मांगी गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पंचायत सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिया निर्माण कार्य में तकरीबन 3,00,000 रुपए का बिल बकाया था, जिसे पास कराने के एवज में ट्रेडर संचालक से पैसे की मांग की गई थी। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर स्थित पेट्रोल पंप के समीप आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पंचायत सचिव को 15,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहरा गांव में पुलिया निर्माण का कार्य कराया गया था, जिसका बिल भुगतान कराने को लेकर शिकायतकर्ता जितेंद्र तिवारी लंबे समय से परेशान थे। पंचायत सचिव हर बार रिश्वत न देने पर बिल न पास करने की धमकी देता था, जिसके तहत बाद में आरोपी पंचायत सचिव के द्वारा शिकायतकर्ता जितेंद्र तिवारी से 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त पुलिस को की। तब लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आरोपी पंचायत सचिव को आज रिश्वत की 15,000 रुपए रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। प्रस्तुत है घटना के संबंध में शिकायतकर्ता जितेंद्र तिवारी एवं लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकर से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या शिकायत किए थे आप? ये सप्लायर का था, पुलिया निर्माण का था पैसा, उसी के बाद में कितने पैसे मांगे थे? आज आप देने के लिए कहाँ पे बुलाया गया था? पेट्रोल पंप बजरंग नगर के पास। काहे का बिल था आपका? पुलिया निर्माण का जी, पुलिया निर्माण। उसमें कितने हजार, कितना फंसा था आपका पैसा? 2-3 लाख रुपये था। कितना मांगे थे? 20,000 रुपये? 15 मांगे थे। अभी पहले भी कुछ दिए हैं क्या आप? हाँ, पहले भी दिए। कितना दिए थे? 5,000। क्या नाम है आपका? जितेंद्र तिवारी। क्या करते हैं? दुकान है मेरी, ट्रेडर। ट्रेडिंग की। क्या नाम से? तिवारी कंस्ट्रक्शन के नाम से। ये इसमें एक फरियादी हैं जितेंद्र तिवारी, इनके द्वारा जो है रीवा लोकायुक्त मेरे पास जो है कार्यालय में शिकायत की गई थी कि इनने जो है ग्राम मऊगड़ा में जो एक पुलिये का पुल और पुलियां जो होती हैं उसका निर्माण किया था, उसके निर्माण के एवज में जो उनको धनराशि प्राप्त होना थी उसके एवज में जो है वहाँ के जो पंचायत सचिव हैं, पद रोजगार सहायक है लेकिन वर्तमान में पंचायत सचिव का जो है प्रभार का काम भी देख रहा है ये आरोपी मिस्टर रविंद्र पटेल, इनके द्वारा जो है 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। तो उसी कार्रवाई में जो है आज रीवा लोकायुक्त द्वारा जो है चमड़िया पेट्रोल पंप के पास जो फरियादी को उसने पैसे लेने के लिए बुलाया था तो वहाँ पर जो है हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई, अभी भी कार्रवाई जारी है। पहले का अभी तो चूँकि उसने नहीं बताया, फरियादी से हमने डिटेल बात भी की थी और चूंकि उसको परेशान बहुत दिनों से कर रहा था और उसका काफ़ी पैसा रुका हुआ था तो बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए उसने के द्वारा कार्रवाई कराई। आज कितने की रिश्वत? 15,000 रुपये की रिश्वत। रीवा में 16 साल की नाबालिग का विवाह 45 वर्षीय व्यक्ति से होने जा रहा था। ऐन मौके पर पुलिस और महिला बाल विकास की टीम मौके पर पहुँच कर बाल विवाह पर रोक लगाती, नहीं तो एक नाबालिग की जिंदगी बर्बाद हो जाती। पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि बाल विवाह अपराध होने के बाद भी कुछ लोग अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए उनका विवाह कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के सुरखिनी गांव में, जहां एक नाबालिग को ब्याह के बंधन में बांधने की तैयारी चल रही थी, मंडप सजा था और मेहमान जुटे हुए थे। तभी इसकी भनक महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर को लग गई। विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया और दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए।
जांच में पाया गया कि सरिता शर्मा की उम्र महज 16 वर्ष 4 माह है और उसका ब्याह 45 वर्षीय श्रवण चतुर्वेदी से होने जा रहा है। कानूनन सरिता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण ये ब्याह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। प्रशासनिक अमले की परिजनों और सगे संबंधियों को हिदायत देकर ब्याह को रोक दिया गया। अब पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके बाद मामला भी दर्ज हो सकता है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में शिव कुमार वर्मा एडिशनल एसपी रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। कैसे कह क्या किए, हम लोग कभी बरात नहीं आए, तब हमको सब पता चला रीवा से। हम के एजुकेशन विभाग में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म तिथि चाहिए, दसवीं की सूची बनाएगी वो, एकदम रिकॉर्ड दे। हाँ, रायपुर थाना क्षेत्र के सिरखनी गांव का मामला आया था प्रेक्षक संज्ञान में, तो महिला बाल विकास से और पुलिस थाना और नायब तहसीलदार मैडम ये सब लोग गए थे वहाँ और जानकारी लगी थी। विवाह का प्रक्रिया शुरू थी वहाँ, तो विवाह प्रक्रिया को रोक दिया गया था, विवाह नहीं हुआ था। और महिला बाल विकास से इसमें जो अधिकारी हैं वो इसकी जाँच कर रहे हैं, जाँच करके जैसा प्रतिवेदन देंगे पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यूपी से एमपी आ रही 14 पेटी अवैध नशीली कफ सीरप पकड़ाई, 3 तस्कर गिरफ्तार। रीवा जिले के हनमना में पुलिस को नशा कारोबारियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हनमना थाना प्रभारी यूपी से अवैध नशीली कफ सीरप एमपी आ रही थी। आपको बता दें कि इस नशीली कफ सीरप पर हनमना थाना प्रभारी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि खाकी कलर की तवेरा वाहन में नशीली कफ सीरप आ रही है, जिस पर हनमना थाना प्रभारी ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में ये बात डाली और हाईवे पेट्रोलिंग पर टीम को रवाना कर दिया। वहीं जैसे ही तवेरा वाहन मसूरिया हाईवे बाईपास ब्रिज के पास पहुंचा, तत्काल घेराबंदी कर पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। वहीं तलाशी के दौरान वाहन में 14 पेटी नशीली कफ सीरप भी बरामद हुई है, जिस पर हनमना पुलिस के द्वारा NDPC एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में से 2 के खिलाफ पूर्व में कई मामले अन्य थानों में पंजीबद्ध हैं। पुलिस के द्वारा ऐसे आरोपियों को जिला बदर करने की कार्यवाही भी की जा रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में शैल यादव थाना प्रभारी हनुमान से प्राप्त जानकारी के अंश। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रवेरा, एक खाकी रंग की ट्रवेरा का गाड़ी है, उससे यूपी तरफ से अवैध कफ सीरप की खेप आ रही है। हमने मुखबिर सूचना को श्रीमान SP साहब, SDOP साहब एवं एडिशनल SP साहब को अवगत कराया और उनसे निर्देश प्राप्त करके हमने हाईवे पे वाहन चेकिंग लगाई, जिसमें उस प्रकार की कार हमको आती दिखी और जो पुलिस को देख करके चकमा दे के भागने का प्रयास किया, जिसे बॉर्डर से हम लोग पीछा करके और मसूरिया बाईपास तक पकड़ लिए। और उस गाड़ी से हमें 14 पेटी मैक्स कफ सिरप मिली है, कुल 1600 सीसियाँ हैं। और हमने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला मोहम्मद शकील जो रायपुर करचुलियान का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद इस्लाम जो कि थाना शमान रीवा का रहने वाला है, और तीसरा आरोपी मोहम्मद शाहिद है, ये सतना नागौद का रहने वाला है। ये यूपी से बनारस तरफ से, बनारस से ये कफ सिरप की खेप रीवा ले जा रहे थे, वहाँ पे अवैध रूप से नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए, सप्लाई के लिए। इनके खिलाफ हमने 8/21/22 NDPS एवं 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और उनको न्यायालय हमने आज पेश किया है, जहाँ से जेल वारंट प्राप्त होने पर हम उनको जेल दाखिल करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये रियान निवासी, इनके विरुद्ध रायपुर करचुलियान थाने में अब तक कुल 16 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और हनमना में जो कल हुआ है इसको लेकर कुल 17 मामले इनके खिलाफ हो गए हैं। और अब्दुल सलाम जो है इस्लाम है, इसके विरुद्ध थाना विश्वविद्यालय, थाना सिटी कोटवाली और थाना समान में कुल मिलाकर के 6 अपराध हैं और 1 अपराध हमने कायम किया है।
ये शातिर अपराधी हैं और इनके विरुद्ध हम और भी आगे जिला बदर और NSC की कार्रवाई करने वाले हैं। रीवा के वार्ड क्रमांक 13 नेहरू नगर में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन इस पार्क को उपेक्षा का ऐसा ग्रहण लगा कि बदहाल ये पार्क अब बदहाल हो गया है, जिसकी बदहाली की हालत को लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शहर के वार्ड क्रमांक 13 अंतर्गत नेहरू नगर में कभी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पार्क की रौनक देखते ही बनती थी। सुबह शाम यहाँ बच्चे खेलते कूदते नजर आते थे, बुजुर्ग और महिलाएं भी यहाँ सुकून के पल व्यतीत करती थीं, लेकिन कुछ समय बाद इस पार्क की उपेक्षा का दौर शुरू हो गया और ये पार्क काफी हरा भरा था। यहाँ झूले लगे थे, चारों ओर बाड़ी बनी थी, लेकिन रखरखाव पर ध्यान न देने के कारण बाउंड्री टूट चुकी है। इस पार्क का जो मुख्य गेट है उसकी धूल को देखकर लगता है कि कई वर्षों से ये नहीं खुला है। बाड़ी सुरक्षित न बचने से अब लोग कहीं से भी प्रवेश कर जाते हैं, पार्क के अंदर मवेशी घुसते हैं। अंधेरा होने के बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है। इस पार्क की हालत को सुधरवाने के लिए स्थानीय पार्षद सहित स्थानीय लोगों ने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जो पार्क कभी इस वार्ड की शान हुआ करता था, वही अब अनदेखी का शिकार होकर बदहाली की कगार पर है। पार्कों की संख्या को लेकर ये वार्ड शहर में सबसे धनी है। इस वार्ड में 8 पार्क बनाए गए थे, लेकिन इनके सही रखरखाव नहीं होने के कारण ये बदहाली की स्थिति में है। निवृत्तमान पार्षद नम्रता संजय सिंह ने जन सहयोग से इन पार्कों को संवारने का काम हाथ में लिया और 7 पार्क बेहतर स्थिति में पहुंच गए। 1 पार्क का काम अभी रह गया है। इस पार्क पर पीपल का वृक्ष है, लोगों द्वारा अंतिम संस्कार के बाद घट बांधा जाता है। इसे लेकर आसपास रहने वाले लोगों को काफी आपत्ति है। लोगों का कहना है कि ये बंद होना चाहिए, यहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं जो घट देखकर डर जाते हैं। इस पार्क का सही तरीके से देखरेख न होने की वजह से ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पार्क की ओर ध्यान दे, जिससे इसकी हालत फिर से पहले जैसी अच्छी हो जाए। प्रस्तुत है इस संबंध में नम्रता सिंह बघेल, पूर्व पार्षद एवं स्थानीय निवासियों से प्राप्त जानकारी के अंश। पार्क के नाम से है, यहाँ पे 20 साल से करीब ये है। व्यक्तिगत लोग अपने पैसे से चंदे से इकट्ठा करके इसको बनवाते रहे हैं। अब बीच में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उपेक्षित हो गया। यहाँ पे ये कर्मकांड वगैरह करते हैं लोग बाग, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं रहता और मना करने पे झगड़ा होने की अंदेशा रहता है। और बगल में यहाँ पे नाली का बड़ा अभाव है, पानी पूरा एक ही जगह इकट्ठा होता है। इसके साथ में पार्क के साथ में नाली का भी निर्माण किया जाना चाहिए। पार्क है राजीव गांधी रोटरी पार्क के नाम से जाना जाता है। 2001 में इसको, जब मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट रहे, इसको पैसा जमा करके इसमें ये बाउंड्री का बारवेड वायरी का काम करवाया, ये पट्टी सुधरवाया, इसमें और भी काम किया पूरा इसको करके। ये जो पेड़ दिख रहा है, मैंने 2001 से हर साल इसमें प्लांटेशन करता था। सबसे बढ़िया पार्क यही था। और बाद में कुछ पॉलिटिकल कारण से इस कार पार्क को छोड़ करके इस वार्ड में सभी पार्क बन गया। इसको किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण पूरा मोहल्ले वाले को इस पार्क का जो सुविधा है उससे वंचितम हो गया। इसमें जो मरने के बाद में पूरा कार बाल बांटना और कर्मकांड करना, पेड़ में वो गड़ा बांधना, ये सब शुरू हो गया है। कई बार हम लोगों ने 3 बार इसको मोहल्ला वाला ने पैसा इकट्ठा करके बारवेड वगैरह सुधरवाया था, बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब ये जो देखिए ना, काट करके कबाड़ी ले जाते हैं, हम लोग ताकते रहते हैं। और दोपहर को कभी दोपहर आता है, कभी पूरा 24 घंटे ताक नहीं सकता है। और बाकी हम लोगों को जो सुविधा है सब हम लोग कर रहे हैं। कल कमिश्नर साहब से भी हम लोग मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है।
ये जी राजीव गांधी रोटरी पार्क से जाना जाता है, ज्योति स्कूल के पीछे है, और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ कर्मकांड भी होते हैं, तो इस कर्मकांड को रोकने के लिए नगर निगम में हमने आवेदन भी दिया और व्हाट्सएप द्वारा कलेक्टर साहब को भी सूचित किया। तो इसकी जानकारी हमें अभी लगी कि यहाँ बहुत सब अवैधानिक रूप से कार्यक्रम होने लगे हैं, तो इस पार्क के लिए हमने प्रयास भी किया और कलेक्टर साहब ने आदेशित भी किया था कि काम होना चाहिए, बट कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो हम यही कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर साहब जी से मांग करते हैं कि हमारा यहाँ हमारे ये रोटरी पार्क राजीव गांधी पार्क, क्योंकि एक पूर्व मंत्री जी के नाम से है, तो इसको बनवाया जाए और इसमें अच्छा नेम प्लेट्स लगवाया जाए, इसका पथवे बनवा जाए, बाउंड्री बनवा के इसमें रोलिंग कर दें, फिर हम अपना जन सहयोग से इसमें फ्लावर्स लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको थोड़ा सा 5-6 लाख की मदद कर देते तो हमारी भी जन सुविधाओं के लिए थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता उसका। आकाश इंस्टीट्यूट ने नीट 2021 में चयनित छात्र छात्राओं का किया सम्मान। आकाश इंस्टीट्यूट रीवा ने आज अपने प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां नीट 2021 में चयनित होने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि आज के इस समारोह में डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी उपस्थित रहे। समारोह में 2021 नीट में रीवा टॉपर रुद्राक्षी शुक्ला और अपूर्वा तिवारी को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट रीवा के डायरेक्टर श्री विष्णुदेव तिवारी ने कहा कि नीट 2021 में संस्था के छात्र छात्राओं ने 720 में से 675 अंक लाकर रीवा में टॉप किया है, जिसका ऑल इंडिया रैंकिंग 1260 है, जो कि एक अद्भुत उपलब्धि है। आकाश इंस्टीट्यूट में परीक्षाओं की तैयारी पर प्रकाश डालते हुए विष्णुदेव तिवारी ने बताया कि समायोजित तैयारी, उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा शिक्षण एवं मोटिवेशन के द्वारा आकाश इंस्टीट्यूट में तैयारियां कराई जा रही हैं, वह निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाली होती हैं। सम्मान समारोह में आकाश इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक, छात्र, रीवा ब्रांच मैनेजर कीर्ति सिंह चंदेल, सेंटर हेड दिनेश दीक्षित एवं ढेर सारी संख्या में पालक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है चयनित छात्राओं सहित आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णु तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। विद्यार्थी जी, शुक्ला जी, आपने आकाश ही इंस्टीट्यूट क्यों चुना? आकाश का फीडबैक हमारे सीनियर्स ने अच्छा दिया था, तो मेरे पेरेंट्स ने इस यहाँ के बारे में पता किया और रिजल्ट्स अच्छे सुनने पर यहाँ का हमने चूज़ किया। आप डेली कितने घंटे पढ़ती थी? मैं कोचिंग के बाद 2-3 घंटे पढ़ती थी। रेगुलर जैसे आपका 24 घंटे में सुबह आपको 12वीं की भी तैयारी करना रहता था और फिर नीट की भी तैयारी करना, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ प्रॉब्लम आती थी? दोनों का सिलेबस सेम ही है, तो फिर इसलिए कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई उसमें। आपने जब कोचिंग ज्वाइन की, कोचिंग के बाद में आपने जब आकाश में किया, तो आपको कौन कौन से सर का आपका मार्गदर्शन सबसे अच्छा रहा? सबसे अच्छा गाइडेंस विष्णु सर का रहा, जो हमारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं, और दीक्षित सर का रहा फिजिक्स में बहुत अच्छा गाइडेंस, और दरोगा गुप्ता सर ने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कराया था। जैसे आपको 675 रैंकिंग आई है, इतनी आने वाले समय में MBBS के बाद आपके भविष्य की क्या तैयारी है? अभी तो मैंने ऐसे कुछ खास नहीं सोचा है, पर मुझे रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं उस फील्ड में जाने की कोशिश करूँगा। अपूर्वा जी, आपने आकाश को ही क्यों चुना और बहुत सी शहर में कोचिंग है, इसके बारे में क्या कहना? बाकी सारे कोचिंग में सारे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आकाश में सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लेस में मिल जाते हैं, अगर यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। और आकाश का रिव्यू बहुत अच्छा है और वो मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, और हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत हो जाती है उस पैटर्न में जिसमें एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, तो उससे हमारा माइंड भी ट्रेन हो जाता है उस सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व करने। हाँ, मैंने 11th से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन तब मैंने आकाश की कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। फिर आकाश की कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट। आपने 12th कहाँ से पास किया? 12th मैंने MP बोर्ड से पास किया था, BBS। जिस तरह आपका इतना अच्छा रैंक आया है और MBBS में अब आपका सिलेक्शन भी हो गया है, और आप
जिस तरह आप लोगों ने तैयारी करके आने वाले समय में MBBS के बाद क्या चाहती हैं आप? MBBS के बाद तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना तो मतलब नेसेसरी होता है, और उसके बाद फिर जो भी हायर डिग्री होती है तब तक मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। विष्णुदेव तिवारी जी, आकाश का रीवा में सेंटर है, जैसे आपने बताया बनारस है, अन्य शहरों में 6 सेंटर हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, आकाश वेल नोन है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। रीवा सेंटर हमने गत वर्ष स्टार्ट किया था, और जस्ट उसके ठीक बाद लॉकडाउन हो गया, तो एक साल का सेशन बहुत अच्छा समय नहीं मिल पाया। फिर भी जिन बच्चों ने हमें पर भरोसा किया, स्टार्ट हुआ, इस बार हमने उसमें से बेहतरीन रिजल्ट दिया है। रीवा की बच्ची रुद्राक्षी शुक्ला के 685 मार्क्स 720 में, और रीवा टॉपर होना ये अपने आप में एक स्टेटमेंट और प्रूफ करता है। इस बार हम लोग सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, चूँकि आकाश पूरे देश में इस बार अल्टीमेट है, बायजू के कोलेब्रेशन के बाद भी टॉप लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी मेडिकल के 720 में 720 नंबर 3 बच्चों के आना, तीनों आकाशियन होना, ये अपने आप में प्रूफ करता है। और आने वाले समय में भी रीवा से हम बेहतरीन रिजल्ट देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। इम्प्रूव करना चाहते हैं? देखिए, रीवा एक बड़ा पौराणिक पुराना शहर है, और कहीं भी टैलेंट हर जगह बिखरा होता है। हमें जो भी बच्चे का मैक्सिमम आउटपुट है, जो उसका पोटेंशियल है, उसको इम्प्रूव करना, और जो रैंक उसको डिजर्व्स करे वो अचीव करे, ये एक प्रयास होता है सभी टीचर्स का, सिस्टम का, आकाश का। यही प्लानिंग और विज़न है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे IIT और मेडिकल में, नीट में बेहतरीन परफॉर्म करके एम्स में सिलेक्शन ले सके। तो इसी कमिटमेंट को लेकर हम लोग वर्क कर रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट है। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।